जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में पूर्व में दो अलग अलग जगहों पर हुई चोरी के मामले का पुलिस क्षेत्र अधिकारी वीर सिंह ने खुलासा करते हुए गिरफ्तार दोनों आयुक्तों को माननीय न्यायालय में पेश करते हुए भेजा जेल। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस क्षेत्र अधिकारी वीर सिंह ने बताया कि पूर्व में जगदीश चंद पुत्र गोपाल दत्त तथा सुरेंद्र कुमार यादव पुत्र राम सकल यादव निवासी खटीमा द्वारा घर का ताला व खिड़की तोड़कर भारी मात्रा में सोना चांदी के जेवरात बर्तन तथा कुछ नकदी सहित अन्य सामान चोरी करने की रिपोर्ट कोतवाली खटीमा में दर्ज कराई गई थी। घटना के संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर तत्काल अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर के निर्देश अनुसार पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षक में तथा खटीमा क्षेत्र अधिकारी के निर्देशन में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक व वरिष्ठ उप निरीक्षक के नेतृत्व में टीम का गठन कर अभियुक्त फैयाज उर्फ कल्लू उम्र 23 वर्ष तथा अमीर अहमद पुत्र रफीक अहमद उम्र 25 वर्ष निवासी इस्लाम नगर खटीमा को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं फैयाज के कब्जे से एक सोने का मंगलसूत्र, एक सोने का हार, 3 सोने की अंगूठी, 1 सोने की अंगूठी लेडीज, 1 चांदी की प्लेट, 1 चांदी का लोटा, 7 सिक्के चांदी के, 2 जोड़ी पायल चांदी की व 15,000 रुपये नकद था। आमिर के कब्जे से 3 चांदी की थालियां, 1 ताबे का लोटा, 1 चांदी की गणेश की मूर्ति, 1 पीतल की लक्ष्मी की मूर्ति, 2 पीतल की घंटी, 1 पीतल का शिवलिंग, 1 पीतल का पंचमुखी दिया आदि सहित 800 रुपये बरामद किए गए हैं। वहीं गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। दो जगह पे नकब जाने की घटनाएं हुई थी, जिसमें हमारी कोतवाली की पुलिस टीम के द्वारा दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक का नाम फैयाज और दूसरे का नाम आमिर है। ये इस्लाम नगर खटीमा के रहने वाले हैं और इनसे हमने लगभग 10 तोले के जो इनके द्वारा चोरी की गई थी सोने के जेवरात, वो बरामद हुए हैं और 15,000 रुपये इनसे बरामद हुए हैं और मुकदमा दर्ज कर दिया गया था थाने में। अब इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो सर नहीं, अभी ये तो दोनों ही हैं और बाकी इन्वेस्टिगेशन में और जो सीडीआर के एनालिसिस है तो वही, लेकिन चोरी में तो यही दोनों ही थे। कुछ वाली खटीमा की जो टीम है, पुलिस टीम ने, इसने काफ़ी अच्छा काम किया है। प्रभारी निरीक्षक